अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम की तरफ से एम एस वर्ड की कोर क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंडेक्स। इंडेक्सिंग स्टूडेंट्स, आम तौर पे हम अगर हमने कोई बुक वगैरह टाइप की है तो उसके लास्ट पे ये करते हैं, और ये अल्फ़ाबेटिकली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे APPLE। यूजली स्टूडेंट्स, आपने अगर आपने कभी डिक्शनरी यूज़ किया तो उसके अंदर जो वर्ड होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ही यूज़ हुए होते हैं। सबसे पहले वो ए से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक नाम है आमिर, तो डबल ए है, ये फर्स्ट पे होगा। उसके बाद हो सकता है कोई और नाम हो जो ए के बाद, उसका जो सेकंड स्पेल है वो बी होगा, ऐसे ही उसके बाद ए के बाद सी। तो इस तरह अल्फ़ाबेटिकली होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम किस तरह इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं अपनी बुक या अपने डॉक्यूमेंट या जो आपने टेक्स्ट लिखी है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने वो वर्ड सेलेक्ट करना है जिस पर आप इंडेक्सिंग यूज़ करना चाहते हो। तो मैं ये मदर फर्स्ट वर्ड ये फर्स्ट इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने रेफरेंस टैब ओपन करनी है। तो यहाँ पे देखें, ये इंडेक्स का ये सारा जो पोर्शन है ये इंडेक्सिंग के ही मुतल्लिक है। यहाँ पे देखें, मार्क इंडेक्स, मार्क एंट्री की ऑप्शन दी हुई है कि आपने इस पर क्लिक करना है। अल्ट प्लस शिफ्ट एंड प्लस एक्स इसकी शॉर्टकट है। तो ये देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पर देखें, मेन एंट्री एंड सब एंट्री की भी ऑप्शन दी हुई है। नीचे हैं तो ये देखें, यहाँ पे करंट पेज है, पेज रेंज है, क्रॉस रेफरेंस है एंड सब। नीचे आए तो यहाँ पे पेज नंबर फॉर्मेट, बोल्ड चाहते हैं या टैलिक चाहते हैं, हम बोल्ड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो जस्ट आपने यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर देना है। तो आपने नोट, उसके बाद इसे क्लोज करेंगे तो ये देखें, आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ शो हो रही है ये हमने होम टैब जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर थी, शो एंड हाइड सिम्बल वाला। तो इसे आप ये देखिए ऑन है, इसे क्लोज़ कर दें तो ये चला जाएगा। दोबारा इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये आपने जो इंडेक्सिंग की है वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम अगेन रेफरेंस पे आते हैं, यहाँ से हम ये टीचर को सिलेक्ट करते हैं। अब अगेन मार्क एंट्री मार्क कर देते हैं इसे। उसके बाद ये एग्जांपल को लेते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, सॉरी इसे पहले क्लोज करेंगे, फिर मार्क एंट्री मार्क पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे चिल्ड्रन ले लेते हैं, इसे भी मार्क कर देते हैं। मेमोरीज ले लेते हैं यहाँ से। ऐसे ही आपने वर्ड को सिलेक्ट करते जाना है जिसको आप इंडेक्स करना चाहते हैं, और उस वहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक करते जाना है। यहाँ से हम चलो इंटेलिजेंट को लेते हैं। और इंडेक्सिंग जो होती है स्टूडेंट्स, ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होती है। इसे भी मार्क कर देते हैं। यहाँ से हम चिल्ड्रन लेते हैं, यहाँ से हम ऐसे करते हैं स्मॉल लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे सब एंट्री में मैं लिख देता हूँ स्मॉल पर प्रॉब्लम लिख देता हूँ, PROBLEM। एक एग्जांपल आपको सब एंट्री की भी मिल जाएगी। यहाँ से इसे बोल्ड कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, क्लोज किया। अगेन यहाँ से हम पेरेंट्स ले लेते हैं, इसे भी मार्क कर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, आपने जितने वर्ड को इंडेक्सिंग करना है सभी को सिलेक्ट करते जाना है आपने, और मार्क एंट्री करते जाना है। यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी छोड़, इसका टैली कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेते हैं,
से भी मार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसे। तो आप एक भी दफ़ा भी कंट्रोल के साथ कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड रख के मोस्टली वर्ड को सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा भी मार्क एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने सेइंग को सिलेक्ट किया, इस पे भी आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने मार्क एंट्री किया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने काफ़ी वर्ड को इंडेक्स कर लिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये कैसे शो होंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप पेज पे लास्ट पे आएँ, जैसा मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि जो इंडेक्सिंग होती है वो हम पेज के लास्ट पे करते हैं। इसे अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए आप एक न्यू पेज पे आ गए हुए हैं। तो आपने करना क्या, रेफरेंस पे जाना है स्टूडेंट्स। रेफरेंस पे जाएंगे तो देन आपने इंडेक्स पे आना है। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इंडेक्स की ऑप्शन दी हुई है, तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक विंडो अपीयर हो गई है। इसके अंदर ये देखें आपने जो इंडेक्सिंग की है वो प्रिंट प्रीव्यू में सामने आ रही है, ये देखें। उसके बाद ये राइट साइड पे देखा तो यहाँ पे कॉलम्स की ऑप्शन है। मैं यहाँ से एक कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे लैंग्वेज की ऑप्शन है कि आप इसे किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है। उसके बाद आएँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट अलाइन पेज नंबर की ऑप्शन दी हुई है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्मेट है फ्रॉम टेम्पलेट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के दे दिए हुए हैं, क्लासिक है, फैंसी है, मॉडर्न है, बुलेटेड है, कोई भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। नीचे और भी दिए हुए हैं सिंपल फॉर्मल। तो हम सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने जो काम किया वो किस तरह का नज़र आएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, जिससे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो ये देखें हमने जो इंडेक्सिंग की है ना वो देखें हमारे पेज पे शो हो गई है। तो आप यहाँ पे देखें तो कुछ जो, जैसा कि मैंने बताया था, इंडेक्सिंग होती है अल्फाबेटिकली। तो ये देखें फर्स्ट पे जो है वो सी से जो हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे चिल्ड्रन है तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है और अल्फाबेटिकली ये पहले आता है इसलिए वो टॉप पे, उसके बाद ई उसके बाद आता है स्टूडेंट्स। तो आप देखें वो उसके बाद है, देन आई से इंटेलिजेंट है वो उसके बाद है, और मेमरीज़ है देखें, मतलब अल्फ़ाबेटिकली आपकी जो इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें कुछ जो नंबर हैं वो बोल्ड हैं, कुछ बोल्ड नहीं है, और ये देखें ये जो है थ्री है, ये इटैलिक है। ये जब मैं मार्क एंट्री कर रहा था ना स्टूडेंट्स, तो उस वक्त वहाँ पे ऑप्शन थी बोल्ड की इटैलिक की। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर आपने जो जो सिलेक्ट किया हुआ वही सेम चीज़ आपके अब इंडेक्सिंग में शो होगी। तो यहाँ पे देखें इसके आगे भी नंबर लिखा हुआ है, एग्जांपल के आगे भी लिखा है, इंटेलिजेंट के आगे भी लिखा हुआ है, मेमरीज़ के आगे भी लिखा है, मदर के आगे भी पेज नंबर लिखा है। ये समय जो नंबर है ना ये स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आगे लिखा है, और देखें यहाँ पर स्मॉल जो है ना स्टूडेंट्स, इसके आगे नंबर नहीं लिखा हुआ। वो क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए जब यहाँ पर वापस आते हैं मार्क एंट्री पर, जब हम मार्क एंट्री कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने सब एंट्री इंटर की थी एक, आपको याद होगा, आपको एग्जांपल देने के लिए कि एक पे सब एंट्री भी यूज़ कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट्स, ये इसकी सब एंट्री या प्रॉब्लम्स, स्मॉल को मैंने मेन एंट्री रखा था एंड प्रॉब्लम को सब एंट्री रखा था। तो उसके बाद देखें स्टूडेंट्स समथिंग, इसका भी पेज नंबर थ्री है, क्योंकि ये अगर हम देखें भी तो अगर हम चाहें ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये समथिंग प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम वर्ल्ड है ना, पेज नंबर थ्री पे जाते हैं हम, ये पेज नंबर थ्री पे आ गए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे गया है, दोबारा चेक करते हैं, पेज नंबर थ्री पे ही था ना, हाँ जी पेज नंबर, जैसे ये पेरेंट्स भी पेज नंबर थ्री पे ही है, पेरेंट्स ये है, इसके बाद प्रॉब्लम भी सर्च कर लेते हैं,
ये है स्टूडेंट्स, ये देखें सर, मैं पेज नंबर 3 पे दो पैराग्राफ थे, हम पहले सेकंड वाले में सर्च करते हैं। ये प्रॉब्लम है जो कि हमारी इंडेक्सिंग में ये शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इंडेक्सिंग को इंसर्ट करने की समझ लगी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा। आई होप सो आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।